नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा ये 3 वायर का यूनिवर्सल SMPS मॉड्यूल लगा करके कैसे SMPS को बनाते हैं। उस वीडियो में मुझे लाइक और कमेंट भी बहुत अच्छे मिले, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज के इस वीडियो में देखेंगे ये यूनिवर्सल मॉड्यूल का सर्किट डायग्राम कैसा होता है और कैसे ये वर्किंग करता है। पहले इसका सर्किट डायग्राम को देखते हैं। सर्किट डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर AC इनपुट की सप्लाई देते हैं, वो यहाँ पर देंगे। यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, इसके बाद में यहाँ पर DC बन जाती है। DC का प्लस यहाँ पर है ये, और ये माइनस है। DC का प्लस है वो SMPS का ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग का जो एक सिरा है इस पर सीधा प्लस आएगा और दूसरे सिरे पर मॉड्यूल का जो रेड वायर है वो यहाँ पर आएगा। मॉड्यूल का ब्लैक वायर है इसकी माइनस है, DC की वहां पर जुड़ेगा। इसका आउटपुट में वोल्टेज सेट करने का काम यहाँ पर है, ये TL431 जिनर और ये 5K का प्रीसेट से आउटपुट में वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। और आउटपुट में वोल्टेज सेट करने के लिए जो फीडबैक देते हैं इस मॉड्यूल को, वो PC817 ये फोटो कपलर लगा हुआ है इसे देंगे। इस फोटो कपलर की पिन नंबर 3 इसी ग्राउंड के साथ में जुड़ी हुई है, यहाँ पर पिन नंबर 4 से इसका वोल्टेज फीडबैक देंगे। यहाँ पर आगे इस मॉड्यूल में देखते हैं, जो इस मॉड्यूल में IC का प्रयोग हो रखा है, PWM IC का, वो UC3842 IC है। यहाँ पर KA3842 IC भी आती है। इसकी पिन नंबर 7 होती है, वो इसकी VCC पिन है। पिन नंबर 5 इसकी ग्राउंड पिन है। पिन नंबर 6 इसकी आउटपुट पिन है, जिससे PWM आउटपुट आती है। इसी पिन नंबर 6 से इस MOSFET को गेट ड्राइव का काम यही पिन करती है, 6 नंबर ही। ये MOSFET है, इसके गेट के ऊपर ये 47K की रेजिस्टेंस जरूर लगाएंगे। यहाँ पर इस गेट को डिस्चार्ज करने का काम ये रेजिस्टेंस ही करती है। इसका मान को कम से कम 100 या 10K कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पर, कम से कम 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस तो यहाँ पर लगाएंगे तो ठीक रहेगा। और यहाँ पर जो MOSFET का नंबर है IRPF50 है, इसके जगह पर मैंने यहाँ पर 15N60 लगा रखा है। यहाँ पर ये MOSFET मेरे पास खराब हो गया था, इसलिए यहाँ पर ये मैंने ये MOSFET लगा रखा है। यहाँ पर ये इस प्रकार का ये MOSFET है जो लगा रखा है। और इस MOSFET की सोर्स पिन है, इस पर एक 220 मिली ओम की ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। इस रेजिस्टेंस का काम ये है, इस MOSFET में जो करंट कंट्रोल का काम करती है ये रेजिस्टेंस ही करती है। और यहाँ से इसका करंट का सिग्नल जाएगा और ये 1K की रेजिस्टेंस के साथ में पिन नंबर 3 के साथ में यहाँ पर लग जाएगा। और यहाँ पर ये 3 नैनोफेरेड का कैपेसिटर जरूर लगाएंगे। यहाँ पर इस कैपेसिटर के मान को ज्यादा नहीं रखेंगे, इसके मान को लगभग 3 नैनोफेरेड, 2 नैनोफेरेड या 470 PF ये कैपेसिटर लगा सकते हैं। इस कैपेसिटर के मान को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो करंट का सिग्नल फौरन से जाएगा उसमें कुछ नैनो सेकंड लगेगा, तो ये MOSFET खराब हो सकता है। इसके मान को कम ही रखेंगे तो ठीक रहेगा। और जैसे ही इस पिन नंबर 3 पर 1 वोल्टेज से ज्यादा पहुंचता है तो इस ड्यूटी साइकिल को कम कर देती है, यहाँ पर जो गेट को सिग्नल मिलता है उसको कम कर देती है और इस MOSFET को बचाती है। इसका काम यही होता है इस रेजिस्टेंस का। और यहाँ पर जैसे जैसे इस रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका जो करंट का गेन है वो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे इस रेजिस्टेंस के मान को कम करेंगे वैसे वैसे इसका करंट बढ़ता जाएगा। पिन नंबर 8 इसकी V रेफरेंस आउटपुट पिन है, यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा वो 5 वोल्टेज आउटपुट मिलेगा। इसी वोल्टेज से इस पिन नंबर 4 पे सप्लाई दी हुई है और बीच में एक 6.8 किलो ओम की यह रेजिस्टेंस है और पिन नंबर 4 पर यह 10 नैनोफेरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर और इस रेजिस्टेंस के मान को कम ज्यादा सेट करके पिन नंबर 6 पर जो फ्रीक्वेंसी निकलती है उसको कम ज्यादा सेट कर सकते हैं। आगे इस सर्किट में देखते हैं, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर और लगा हुआ है, जो इस मॉड्यूल में ये ट्रांसफार्मर है वो यहाँ पर लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर है। इसकी यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग को जो सप्लाई दी जाती है, बीच में एक 100 नैनोफेरेड 230 वोल्टेज का ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इस MOSFET की ड्रेन पिन से ही जुड़ा हुआ है। ये सेकेंडरी की 2 वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग से इस पिन नंबर 7 को सप्लाई दी जाती है और बीच में यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, NPN ट्रांजिस्टर है C2482, इसके कलेक्टर को इसी वाइंडिंग से सप्लाई मिलती है। और बेस पर एक 12 वोल्ट का जेनर डायोड लगा हुआ है, इससे ये फायदा होता है कि पिन नंबर 7 पर जो वोल्टेज रहते हैं वो 12 वोल्टेज फिक्स रहते हैं। इससे आउटपुट में जब वोल्टेज को ज़्यादा सेट करते हैं तो यहाँ पर भी वोल्टेज ज़्यादा आते हैं, और इस ज्यादा वोल्टेज आने के कारण से ये IC खराब हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ये जेनर डायोड लगा जाता है। और यहाँ पर ये दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इससे आउटपुट में जो वोल्टेज सेट करते हैं, यहाँ पर ये 5 किलो ओम का ये प्रीसेट लगा हुआ है,
इससे वोल्टेज सेट किया जाता है। पिन नंबर 2 पर 2.5 वोल्टेज जब आएगा यहाँ पर, जब इसका जो वोल्टेज आउटपुट में आएगा वो कम आएगा, और जैसे जैसे 2.5 वोल्टेज से कम सेट होगा इस प्रीसेट से तो आउटपुट में वोल्टेज बढ़ेगा। पिन नंबर 1 इसकी वोल्टेज फीडबैक पिन है, जो ये पिन है फोटो कपलर की पिन नंबर 4 के साथ में जुड़ी हुई है यहाँ पर। और अब इस सर्किट को टेस्ट भी करते हैं, इस मॉड्यूल को अब टेस्ट करते हैं लाइव। इसका जो ग्रीन वायर होता है वोल्टेज फीडबैक का, वो अभी मैंने हटा रखा है। पिन नंबर 1, 2 और 7 पर वोल्टेज टेस्ट करेंगे। मैं चालू करता हूँ। जो अभी जो वोल्टेज रेंज है इसकी, मैंने यहाँ पर जो इस प्रीसेट है इसको मिनिमम रेंज पे सेट कर रखा है। आउटपुट में वोल्टेज 8.4 वोल्टेज आ रहे हैं। UC3842 की पिन नंबर 7 पर वोल्टेज है 12.5 वोल्टेज आ रहे हैं, और पिन नंबर 1 पर है 1.4 वोल्टेज, और पिन नंबर 2 पर है 2.5 वोल्टेज। अब मैं इस प्रीसेट को वोल्टेज बढ़ाता हूँ इस प्रीसेट से। आउटपुट में 24.5 वोल्टेज हो गए हैं। और अब पिन नंबर 1 पर वोल्टेज टेस्ट करते हैं तो ये 1.9 वोल्टेज है, और पिन नंबर 2 पर 2.5 वोल्टेज, और यहाँ पर 7 नंबर पर देखेंगे तो 12.5 वोल्टेज हैं, ये फिक्स वोल्टेज हैं। अब मैं इस फीडबैक वायर को लगाता हूँ तब पिन नंबर 1 और 2 पर कितने वोल्टेज रहते हैं। वोल्टेज बिल्कुल फिक्स हो गए हैं, और लोड को हटाता हूँ तो थोड़े बहुत वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, इसको फुल रेंज पे कर देता हूँ जो प्रीसेट है। अब लोड हटाने के बाद में 18 वोल्टेज हैं, और लोड लगाने के बाद में वही 18 वोल्टेज ही रहेंगे यहाँ पर। इसको फुल पे कर दिया है और वोल्टेज फीडबैक दे दिया है। अब पिन नंबर 1 और 2 पर वोल्टेज टेस्ट करते हैं फीडबैक लगाने के बाद में। पिन नंबर 1 पर 1 वोल्टेज है, और पिन नंबर 2 पर 0.8 वोल्टेज है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा इस मॉड्यूल का सर्किट डायग्राम कैसा होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।